कायनात बतफैले मोहम्मद वाले मोहम्मद बानियान दी सफे बातम बिछाई इबादत मंजूर फरमाए। तुसी अहबाब दा इस मकाम ते आना बेनियाज बादशाह इबादत शुमार फरमाए। मैं तुसा हजरात को पढ़ के जाके सियालकोट पढ़ना टाइम तो 2 बजे दस बहरहाल खालिक ने अपनी मुनज़्ज़ा और मुबर्रा किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर उस हस्तियां का जिक्र किया है कि जिन्हों का वेखना भी इबादत जिन्हों का जिक्र भी इबादत जिन्हों की मुहब्बत भी इबादत। बड़ी मशहूर मारूफ आया मजीदा तुसी अहबाब के सामने तिलावत की है कि पांच हस्तियां जनाबे मुस्तफा जनाबे मुर्तजा जनाबे सैयदत निसा और जनाबे हसन मुजतबा और सरकारे हुसैन शहीद करबला। ये पांच हस्तियां दामने ततहीर च बैठियां इन्हां दा मिल के बैठना उस बादशाह कायनात नूं इतना पसंद आया कि जबरील नूं आर्डर दिता है कि इन्हां बैठे होयां दा तवाफ भी कर और एक कसीदा पढ़ के सुना के इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज़्ज़ा अहलल बैते व युताहिरकुम ततहीर। मेरे ज़हन तो कुछ और सी मगर स्टेज पर बैठते नाल एक बहुत लंबा चौड़ा रुका मेरे सामने आया जिस वजह तो मैं इस आयत नूं उनवाने तकरीर दिता है। खालिक ने इन्हों का बैठना इतना पसंद किया आयत भेजी जिस आयत का पहला लफ्ज है इन्नमा। इन्नमा कलाम अरबी कलमाए हसर है। हसर दीवार को आप दिन कोई बिल्डिंग तमीर करो हर जी शऊर का शऊर इस बात से मजबूर करता है कि पहले चार दीवारी बनाई जाए ताकि गैर चीज अंदर दाखिल न हो सके। खालिक ने असमत व अजमत आले अतहार का तस्करा करदे होया इन्नमा दा लफ्ज बयान फरमा के दीवार ला के साबित किया है कि पाक और भी है लेकिन ऐसे पाक नहीं जैसे आयत के अंदर पाक है। इन्नमा दा माना और मफहूम इस बात से मबनी है कि जो कुछ ये है वह दूसरा नहीं है। कुरान के जिस जिस मकाम से लफ्ज इन्नमा आया है उसने इस बात की नफी की है। मसलन कुरान फरमाता इन्नमल मुशरिकून नजसुन निजासत और भी बहुत है जैसी शिर्क निजासत है ऐसी कोई निजासत नहीं है। इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतत वद्दम वलहमुल खंज़ीर हराम और भी बहुत है जैसा मुर्दार और खंज़ीर का गोश्त हराम है ऐसा कोई और हराम नहीं है। इन्नमल खम्र वल मैसिर मिन शैतान शैतानी अमल और भी बहुत है जैसा जुआ और शराब शैतानी अमल है ऐसा कोई शैतानी अमल नहीं है। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम बशर और भी बहुत है जियो जा मैं मोहम्मद बशर हाँ ऐसा कोई बशर नहीं है। इन्नमा वलीयुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमुनस्सलात व युतूनस्ज़कात व हुम राकिऊन
भली और भी बहुत है, जैसे अल्लाह और रसूल और रकुए जकात देने वाले वली हैं, ऐसा कोई वली नहीं है। आखिर से मोहर ला देती इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुम मुर्रिजा अहलल बैत व युताहिराकुम ततहीरा, पाक और भी बहुत है, जैसे पैतन पाक पाक, ऐसा कोई पाक नहीं है। भावे जेड़ी है।
जो भी दूर है किबला और काबा की मौजूदगी दलाल बुरहान फादल एक रिज्स पेड़े च कंडन लगा, महसूस नहीं करना, नाराज नहीं करना, मिंबर रसूल ते खड़ा, जिथे चाहो जदों चाहो जदे सामने चाहो, दलाल बुरहान गलत साबित होवे सदा गोनी है। मिशकाज शरीफ सबन पर 500 पैर बाम बना के बहले बैत मकबूआ मिसर बरके दा खबा पासा 13वीं सदर जदों सैयद अलंबिया फरमाया इन्नी तारी कुफी कम मसक लाए ले किताब अल्लाह व इतरती अहले बैत दो चीजा छोड़ दिया, एक कुरान दूसरी अहले बैत, किसे बंदे दे नाम के दाग के खून नु तबखीर उठी, उस क्या हसबुना किताब अल्लाह, मैनु अल्लाह की किताब काफी है। उस आउट ऑफ सेंस नु ए नहीं पता जो भी अहले बैत तो दूर है रिजा से। दोस्त बड़े परेशान कि रिच ये क्या रिच है, ये सरायकी का लफ्ज नहीं, पश्तो का लफ्ज नहीं, ये है अरबी, ये है कुरान, ते अल्लाह का फरमान कि जो भी अहले बैत की दूर है, जो भी दूर है। चाचा जी सौ गए हो कोल बह के सौ गए, जो भी दूर है रिज्स है, कुरान का लफ्ज है रिज्स है। किमला तशरीफ फरमान जो भी दूर है रिज्स है, रिज्स है, रे जीन सीन रिज्स है। जिन्हें नहीं समझे अल्लाह की कड़ा खराम कर रहे हैं। कुरान जिगरी दिखती है जो भी दूर है रे जीन सीन रिज्स है, मुड़ पलीत है। रिक्स आले मुहम्मद करीब नहीं, तहारत आले मुहम्मद जुदा नहीं। तहारत कोए हे अलिफ रे ते, ए तहारत है और रिक्स है, नसीब अपना अपना। बात दूर है और रिज्स है, वो पलीत है, जिला करीब है वो पाक है। वायु ताहरा कुम तहीरा, अल्लाह फरमाया ऐसे पाक जिस तरह पाक होने का हक है, पाक कीते नहीं। कुछ कम सेंसो नाले दे मिस्ताल, अकले काले दे बगाड़े मुल्ला, जरा भाई रबदर बन फवादर बन बदोरे भाई रबदर बन फदा का मदरू बन लिया करदाना दे नठे होए मलवाड़े। तर्जमा कर दें जी आले बात नूई में पाक कीता जिवे पाक करन दा हक है, और नादान दोस्त क्यों फ्यूज उड़ गया ही, पाक उस नू करीदा है जड़ा पहले पलीत होवे, पाक उस नू करीदा है जड़ा पहले पलीत होवे। ए उस वक्त तक जब वक्त वक्त भी नहीं, पाक किसनू करीदा है जिहड़ा पहले, ते जिहड़ा पहले पलीत हुंदा है वो सिर्फ आप ही पलीत नहीं हुंदा। कोई जमया है
कोई जमया जिथे जमया जीवे जमया जेदा जमया जिन्या का जमया नहीं समझा कोई जमया जिथे जमया जीवे जमया जेदा जमया जियो जा जमया पहले पलीत था सिर्फ आप ही पलीत नहीं मां पलीत नाल लगा वाली पलीत जगह पलीत मफहूम की निकलिया पलीत सही पलीत बड़ा पलीत पहले पलीत था कोई जमे अद्धी राती जमया पलीत रब्बे काबा दी कसम जिस वेले जमया पांच सत लोटे पानी जमे गुसल दिता फिर कीता पाक ओए खुदा दे रस्तू दा इक सबील दे फरिश्ता अजे तक मां मलवाना नहीं जमया जिहड़ा फादल दी अख पाक गल करे तू पलीत तेरी मां पलीत जगह पलीत जब तक पंज सत लोटे पानी दे नहीं पाए तू पाक नहीं होया दुनिया दी कोई किताब च मैनू दिखा अली तू लै के बादी तक केनू मुसल दिता गया केनू पाक जेड़ा लोटे नाल पाक होवे होर लोटे वायु तहरा कुंत तहीरा ए ऐसे पाक जिस तरह पाक होवन दा हक है किसे मस्जिद तू अजान आंदी अजान दा पहला लफ्ज क्या है अल्लाह अकबर तुहाडे मेरे आखण नाल अल्लाह बड़ा है ही बड़ा पहले ही बड़ा तुहाडी मेरी जबान दा मोहताज नहीं वही उता है रकम तहीरा ये तो पहले ही पाक है तहीर तो इन्हें गवाह भर के आई है अगर इन्हें पाक किया जाता अली का विचार फातिमा बिनते असद असद की धी असद की मां असद नु लै के बैठी है मुस्तमिद रिवायात के मुताबिक तीसरे दिन बाद सुल्तान अलंबिया आए जिस वेले नबी आए बीवी दे के आखती मुहम्मद जिस वक्त का तेरा भाई आया है ना आखी खोली ना दूध पीता नबी ने हाथ बता के अली ने उठाया इन क्यों ना आखा कमरे इमाम मदा नदीना शमसे रिसाला दी अंगूठी ने जाया पैगंबर ने हाथ बता के अली ने उठाया उठा के पूछ दे अखी क्यों नहीं खोलिया कि तेरा मुंह पदर सब क्या नाम पहली नजर चेहरा रिसालत दे पो दूध क्यों नहीं पीता मौला मेहमान तेरा हुआ खामा अपने घर ही चू पैगंबर ने अपनी जुबान अली दे मुंह ही दिती इल्म माकाना व मा यकूना दी मिस्ताक दा इलम अली हासिल कीता नबी की जुबान चूसी तवज्जो थोड़ी देर के बाद नबुवत ने अपनी जुबान इमामत के मुंह चू कढ़ी फरमाया या अली जी मौला इल्म हासिल कीता ही कुछ पढ़ के सुना मौला तौरात पढ़ा अंजील पढ़ा जबूर पढ़ा के कुरान पढ़ा फरमाया सारे अज थोड़ा थोड़ा पढ़ के सुना किमला गिलानी साहब की मौजूदगी इतने बड़े इतवाज फादल एक फैसला करना चाहता तीन दिन का बच्चा हो के अली चंद लमे रसूल की जबान चूस के चारों आसमानी किताबा सुना रहा और क्यों फ्यू दुड़ गई अली नाल गैरा नु मिलान वाले फिर समझ जाया जरा तीन दिन का बच्चा होके चारों आसमानी किताबा सुनाए
ਉਹ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਜਿਹਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਹੈ ਸੂਰਾ ਬਕਰ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹ ਮਾਮਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ दो ही जगह से फायदा होता है या नानके घर पर हूं तो तीसरा घर भी है हस्पताल शरीफ। अगर नानके अगर जमे ना तो बीबी फायदा की आदत होंगी बच्चे उठा के आखना वेखे ना मत्था नाने ते नहीं गया होठ बड़े मामे ते अखा छोटे मामे उन्हें दादकिया का कख नहीं रहा तो जे दादकिया जमे अखरिया वेख सगला सिर दादे वर्ग पैर छोटे चाचे वर्ग उंगला वे नानकिया का कख नहीं रह गया अली जमया काबीज इतने भी कोई नानकिया दानकिया का छेड़ा लगा या कोई ना पैगंबर ने अली नु उठा के फरमाया या अली जिस्मों का जिस्मी लहमों का लहमी दमों का दमी रूहों का रूही तेरा जिसम मेरा जिसम तेरा खून मेरा खून तेरा गोश्त मेरा गोश्त पैगंबर ने फरमाना अरस्तु आवाज जिब्रील जीरते जलील जा मेरे हबीब नुआज एक किथू दा इंसाफ घर मैं देवा घर मैं देवा मिलावे अली नु अपने दा मेरे हबीब नु तख्ती पढ़ के सुना के ली अली जदुल्लाह अली वजहुल्लाह अली यादुल्लाह अली उल्फुल्लाह अली उज़रुल्लाह अली लिसानुल्लाह अली कलमातुल्लाह है अली मर्ज़ातुल्लाह है। मैं पिछले तो पिछले साल दरबार शाह चंद चिराग रावलपिंडी जश्ने मालूदे काबा पढ़ रहा सा हजारा का मजमा जो लफ्ज आखे एक मलंग उठ खड़ोता उस आख्या फादर अली बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का जो चीरा तो एक कतरा खून भी ना निकला असी तो तेरा बड़ा बड़ा ना सुनते सी ये तू की करन गया। मैं क्यों की होया आख्या जी ये गल्ला कर रहे हैं इन्हें दा माना की गल्ला मलंगा दी गल्ला ही होंगे एदा माना की है। मैं आख्या यदुल्ला अल्लाह दे हक वजहुल्ला अल्लाह का चेहरा लिसानुल्ला अल्लाह की जुबान मैंने मुस्कुरा के आता इन जो अली दे टोटे करना है सीधा अल्लाह क्यों नहीं मानता मलंगा ने आप मैं क्या नहीं ना अली अल्लाह है ना अल्लाह तो जुदा है बल्कि अली मजहरे की बुरिया है। बड़े सन लोग राती दिने तंग कर दे शिया ने अली नू हाथ तू बधा दिता क्यों फिर उन्होंने हाथ तू तो उन्होंने बधाई ना जदी हाथ दो जदी हाथ भी ना लगे शिया ने अली नू हाथ तू बधा दिता तो दुया नू शिया मन दे नहीं गल मैं बड़ी कौड़ी जी कर बैठा पर जेरी दवाई कौड़ी हो ना डॉक्टर कैप्सूल बना दूंगे किला गिलानी साहब तशरीफ फरमाए थोड़ी थोड़ी इन्हों भी नागवार गुजरेगी क्योंकि पुराना असर हों ना लेकिन नहीं ये पाकिस्तान एक ऐसी शख्सियत है ऐसी शख्सियत है ऐसी जात है कि जिन्हों दिया रगा च अली यो बतूल का खून है और सैयदादे ने अपने मुल्क तो लैके बैरून मुल्क तक अपने खून की तासीर दसी है और वकालत आले मुहम्मद का हक अदा किया है। तो इतने फादर थोड़ा जिहा लफ्ज आखण लगा है जिहड़े बंदे सानू आखदे जी साडिआं नू नहीं मंगदे तो कुछ पल्ले होवे तो मनिए जिस बंदे का जुगनी च भी ना ना हो
बंदे ते ना ते मुठ आटे दी भी कोई ना देवे। ओनू मन्या भी की ना मन्या भी की, मन ओनू जिन्हां दा दर्जी जबरील बनदा है, मन ओनू जिहड़े मौत दे बिस्तर ते सौं के अल्लाह दी रज़ा खरीद। शिया खुश किस्मत है, अली जैसा पीर मिल आई। रब्बे काबा दी कसम, जिस मैदान च अली दा नाम है, शर्म वाली गल ही कोई नहीं। खुदा खुश रखे साडे मौजूदा सदर और जनरल परवेज मुशरफ नू, अल्लाह इन्नी ताकत देवे भी मुल्क दी ज्यादा तो ज्यादा खिदमत करे जी। लेकिन मैं जनरल साहब दे अगले दिन तकरीर सुन के बयान पे बड़ा खुश होया कि उन्होंने कुछ ऐसे स्टेप ऐसे कदम उठाए जिहड़े कौम मिल्लत दे मफाद वास्ते है जी। अगरचे कुछ तकलीफ तो हुई है, कुछ तकलीफ हुई है, मगर चूंकि एक जनरल सर जनरल बात कर गए, इस वास्ते मैं जनरल साहब को रिक्वेस्ट करना कि जिथे दूसरे इस्लाहात हो रही है, जमीन तकसीम हो रही है, लोगों ने चेक दिते जा रहे हैं, और सारे इकदाम हो रहे हैं, थोड़ा जहा पाकिस्तान ते इतना को और जोर दो ताकि दहशत गर्दी बिल्कुल तबर हो जाए, दहशत गर्दी खत्म हो जाए। असी तुहाडे नाल आ, पाकिस्तान अमन होना चाहिए। जेड़ा माली कोई पौधा लाउंदा है ओनू तो बड़ा प्यारा लगता है, सानू मुल्क नाल बड़ा प्यार है, क्योंकि मुल्क बनाउण वाले ही असी आ। किस बनाया? मुहम्मद अली। तेरी समझ च नहीं आया कि जब तक मुहम्मद अली मिलन नहीं तो फिर बनिया कदों? 14 अगस्त है तारीख 14 बनाने वाले मुहम्मद अली, तो मलवाणिया का की लगा? सिर्फ फतवा, हुण रात दिन रौला है जी, इन्हें काफिर करार दो, इन्हें मुल्क च कढ़ो जी, ये गुस्ताखे असहाबे रसूल हैं। तो बतो, वो तो शिया ही नहीं जिन्हें नबी दे असहाबा दा गुस्ताख होवे, असहाबी रसूल दे ते शिया गुस्ताख, असहाबा दी जुटी दी धूड़ साडी अखां दा सुरमा, भावे जात दा हबशी क्यों ना होवे। सानू बदनाम किया गया, अल्जाम लगाया गया, शिया साहबा नहीं मनते, असी मनने, लेकिन स्टेप बाई स्टेप, जिमें किसी का मकाम है, जिमें किसी का शान है, जिमें किसी का खून है, जिमें जिमें का कोई सानू मिले असी उवें उवें का मन। तवज्जो है ना, कभी आखे सारे इको जाए साडा फ्यूज नहीं उड़िया। कई असहाब जब तक अजान न दे सूरज तलू नहीं होता, कई असहाब जेड़े दाड़िए गुहारिए दें। जेड़ा बंदा 300 तो डाची लैके रसूल 900 नू दा ला दे, मैं किथे किथे रहूंगा? असी वे असहाबा नू मन्ने जिवें रसूल मनाया, जिवें नबी ने हर एक का सीधा अखूवत पढ़ाया, नबी ने हर एक नू भाई भाई बनाया, अब्बल नू सादी दा जैसा खून दा जैसी तासीर दा जैसा ईमान दा जैसा खमीर दा जैसा जैसा कोई आ वैसा वैसा नबी ने एक दूसरे नू भाई भाई बनाया। तफसीर सूरह मंसूर जिल्द नंबर 6 सफा नंबर 419 वर्के दा खब्बा पासा 18वीं सतर, जैसा जैसा कोई सी अव्वल नू सादी दा सालस नू अमीरे शाम दा तरह नू जुबैर दा अबू जर नू मिकदाद दा सुलेमान नू अंबार दा ज
जीवे जीवे का कोई सी नबी उमे उमे का एक दूए नु भाई भाई बनाया। जो सारे नु बनाया अली खड़े रहे देख क्या दे यार सुल्ला हर एक नु भाई भाई बनाया, मेरा कोई भाई नहीं बनाया। नबिया का सुल्तान अली नु सीधे लाल ला के मुस्करा के देख के फरमा सोड़िया तू ता नाराज हो जे मोहम्मद कोई अपना बनाया हो। सानू बदनाम ना करो, असी साहबा दे गुलाम, असी हर साहबी नू मन्ने आ जिवें दा सानू कोई मिले। जे तू जबरन आखे ते पहले अपनी हकूमत तो बनाओ। जो साल पैर दी जंग हुई ना ते मेजर अजीज भट्टी ने ऐ बरकी वाला फुल हुण की हो गया सलवात पढ़ो खबर कर लेना पता गल मुका। मेजर साहब ने अपने सीने नाल बम बन के बरकी नहर का पुल उड़ा के लाहौर नू बचाया। फील्ड मार्शल सदर अयूब खान ने जानते हो अजकल भी ट्रकों के पिछे फोटो बनिया होता है, पिछे लिखा होता है तेरे मरने के बाद तेरी याद आई, मरने के बाद ही आई तवज्जो है। तो सदर साहब ने फरमाया कि इस शख्स ने बहुत बड़ी बहादुरी दिखाई है, लाहौर नू बचाया है, लिहाजा इस नू तमगा जुरत देना चाहिए। उस वे बड़े बड़े मौलाना मजूद साहब जिन्हें के इस पद में भी पता, मौलाना मदूदी साहब, मौलाना मुफ्ती महमूद साहब, बड़े बड़े डिजाइनदार। सदर साहब ने सारे इकट्ठे किए कि भाई इस्लाम की बात है, हम पठान लोग हैं, लिहाजा इसे वो तमगा दे जो इसके शाया में शान हो। और मौलवियां तां गल अपने पासे छिकनी है ना, जिन्हें मशवरा लिया कोई आखे जी तमगा है यानी कि यानी होना चाहिए, कोई आखे जी उस बाबे और दा दियो, कोई आखे जी वो बड़े सारे करदे सन तो बड़े बाहयास तवज्जो है ना। उसा क्या हम ये बातें नहीं सुनना चाहता, हम पठान लोग हैं, हम तो वो तमगा देंगे जो बहादुरी पे फिट आएगा, हम तो उसका तमगा देंगे जिसने कोई बहादुरी दिखाई हो। हम राशन खत्म करने वालों का तमगा नहीं दे सकते। तो उसे सिलेक्ट किया कि तमगा निशान हैदर, कैसा ना प्यारा है हैदर, चूल्हे ते बैठ के ना लैता भी शर्म कोई नहीं, मैदान च ना लैता भी शर्म कोई नहीं, अपने ठिकाने च ना लैता भी शर्म कोई नहीं। नामे हैदर की तासीर ही ऐसी है कि इसमें आजम है। मेरा दिल तुसी मुंतशर कर दिता, इस बंदे ने रुका ने कि मैंने साड़ दिता फला मौलवी साहब ने तकरीर की है, उसने बड़े जोर शोर से यह कहा है कि शिया काफिर है। अमत चुप रहा मैं जो खड़ा जे कुछ बच गया था आखे और थोड़ा जा जिगर ते हाथ रख के मेरे लफ्ज़ सीने ते तावीज फड़ाओ। जिहड़े आखदे शिया काफर हन, किबला काबा ने मेरे उस्ताद मुअज़्ज़म हज़रत मुबल्लिग़ आज़म मौलाना मोहम्मद इस्माइल अल्लाह मकामहू दी फरसी ते
मैं उन्हें बरसी कराई 1 जुलाई नू, मैं किबला नू इनवाइट किया, तकलीफ दी, तशरीफ लियाए हजारा दे मजमे च। इन्हें भी अपने खिताब इस लफ्ज नू बार बार दोहराया कि जेड़े लोग आज शिया काफर हैं, किबला मौजूद हैं, इन्हें अनाउंस फरमाया, मेरे को आडियो वीडियो केस्टा मौजूद हैं, इन्हें दे लफ्ज सन कि शिया काफिर नहीं है, शिया काफिर नहीं है, शिया काफिर बनते ही नहीं, शिया काफिर कोई बना सकता ही नहीं। उसकी वजह है कि जिस मलवाने की सेंस नॉलेज इतनी महदूद है कि जिसनू ये पता ही नहीं कि काफिर हुंदा कौन है, ओ बाबा देखो ना, हर चीज अलामात नाल पहचानी जाती।